जब भी मार्शल आर्ट की बात आती है तो सबसे पहले ब्रूसली को याद किया जाता है। ब्रूसली दुनिया का सबसे बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट में से एक थे। ब्रूस मार्शल आर्टिस्ट के साथ एक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर और फिलोसोफर भी थे। ब्रूस की जिंदगी काफी कम रही। वो सिर्फ 32 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनके दिए गए कंट्रीब्यूशन ने आज भी उन्हें लोगों के दिलों में जिंदा रखा है। ब्रूसली का जन्म 27 नवंबर 1940 को कैलिफोर्निया में हुआ। उनके पिता एक ओपेरा सिंगर थे। ब्रूसली का बचपन हांगकांग में गुजरा। मूवीज में उनकी एंट्री बचपन से ही हो गई थी क्योंकि उनके पिता ऑलरेडी उसी लाइन में थे। ब्रूसली पहली बार 1941 में गोल्डन गेट गर्ल मूवी में आए थे। तब उनकी उम्र सिर्फ 3 महीने थी। 1946 तक ब्रूसली लगभग 20 फिल्म्स में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में आ चुके थे। ब्रूसली ने मार्शल आर्ट्स की शुरुआत 1953 में की क्योंकि वो चीनी थे और ब्रिटिश लड़के उनको परेशान करते थे। बस ये वजह उनको दुनिया का बेस्ट मार्शल आर्ट बनाने के लिए काफी थी। मार्शल आर्ट्स सीख कर वो फिर से अपने फैमिली के पास अमेरिका चले गए। यहाँ आकर वो बच्चों को मार्शल आर्ट्स सिखाया करते थे और वही उनकी मुलाकात लिंडा एमरे से हुई, जिनसे बाद में उन्होंने शादी की और वॉशिंगटन में उन्होंने खुद का मार्शल आर्ट स्कूल खोल दिया, जहाँ वो बच्चों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देते थे। जिसके बाद उन्होंने ओकलैंड और लॉस एंजलिस में मार्शल आर्ट स्कूल खोले। 1958 में हांगकांग में हुए चाचा डांस के कंपटीशन में ब्रूसली विनर भी रह चुके हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में जितने भी काम किए वो सब काम उन्होंने परफेक्शन और मास्टरी के साथ किए, और इसके पीछे का प्रमुख कारण उनके काम करने की प्रैक्टिस थी। वो किसी भी काम की हद से ज्यादा प्रैक्टिस करते थे। 1964 में ब्रूस ने जब ओकलैंड में अपना कराटे स्कूल खोला, तब वहाँ लॉन्ग बीच इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में उन्होंने 1-इंच पंच को फेमस बना दिया। 1-इंच पंच में वो किसी भी इंसान को सिर्फ 1 इंच की दूरी से पंच मारकर बहुत ज्यादा फोर्स से नुकसान पहुंचा सकते थे। 2 फिंगर पुश अप्स भी उन्होंने उसी कंपटीशन में फेमस किया था, जो आज भी रिमार्केबल है। वो रोजाना 18 घंटे की प्रैक्टिस करते थे, जिससे उन्होंने अपने आप को इतना माहिर बना दिया था कि 1962 में ब्रूसली ने एक फाइट के दौरान अपने ओपोनेंट को 15 पंच और एक किक एक साथ मारकर गिरा दिया था, और ब्रूसली ने सिर्फ 11 सेकंड में कर दिया था। ब्रूस ने प्रैक्टिस से अपने आप को इतना फास्ट बना दिया था कि एंटर द ड्रैगन शूटिंग के दौरान उनकी किक इतनी फास्ट थी कि वीडियो को 34 फ्रेम स्लो करना पड़ा था ताकि लोगों को वो किक फेक ना लगे। ब्रूसली ने बहुत कम उम्र में अपने आप को एक लेजेंड बना दिया था। उनकी मौत सिर्फ 32 साल की उम्र में हो गई थी। वो उनके अंतिम दिनों में सिर दर्द से परेशान थे। उन्हें सेरेब्रल एडिमा नाम की बीमारी थी, जिससे दिमाग में सूजन आ जाती है और सांस लेने में तकलीफ होती है। 20 जुलाई 1973 को वो हांगकांग में शाम के करीब 4 बजे अपनी अपकमिंग फिल्म गेम ऑफ डेथ से रिलेटेड कुछ काम से गए, जहां उन्हें सिर में दर्द महसूस हुआ और उन्होंने पेन किलर ली और सो गए, और उसके बाद वो कभी नहीं उठे। ब्रूसली ने हॉलीवुड में 7 फिल्म्स में काम किया था, जिनमें से 3 फिल्म उनके मरने के बाद रिलीज हुई थी। फिर भी हॉलीवुड हॉल ऑफ फेम में ब्रूसली की फोटो शामिल है। ब्रूसली की मौत बहुत कम उम्र में होने के बाद भी टाइम मैगजीन के 20वीं सदी के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में ब्रूसली का नाम आता है। उनकी लाइफ से हमें यही सीखने को मिलता है कि प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के साथ किसी भी काम में महारत को हासिल किया जा सकता है। आपको लेजेंड बनने के लिए कोई बड़ी उम्र पाने की जरूरत नहीं होती। आप कितने परफेक्शन के साथ दुनिया में अपने काम की छाप छोड़ते हैं, दुनिया के लिए वो ही ज्यादा मैटर करता है। एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। ब्रूसली।